गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमने हमारे सेटअप के हिसाब से मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ही 41,400 सेल किया 341 पे, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 52 पॉइंट्स का और हमारा टारगेट रहेगा डबल। तो अभी मार्केट नीचे आया है तो हमारे सेटअप के हिसाब से हमें ट्रेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस ऊपर नीचे लेके आएंगे। अभी मार्केट तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ऊपर गया तो हम हमारा जो भी स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें ये हमारा पहला तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमने वापस री एंट्री कर ली 341 पे, और अभी प्राइस चालू है 330, तो कॉस्ट पे ही है। तो लेट्स सी, मार्केट में कभी भी डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट है। अभी देखो हमारा पहले ट्रेड में छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से निकल गए, फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर से हमारा जो प्राइस आया 341 वापस आया, तो हमें उधर वापस एंट्री लेनी थी, तो हमने ले ली। तो चार्ट भी देखो कि जो हॉरिजेंटल लाइन है उधर हमने 341 पे ट्रेड लिया है। लेट्स से अभी वो नीचे जाता है या ऊपर। अभी प्राइस और नीचे आके 280 के आसपास आई है, तो हम और अभी स्टॉप लॉस ऊपर से नीचे लेके आएंगे। अभी नीचे लेके आएंगे हम 331, इट्स ओके। सो नाउ अभी देखते हैं मार्केट, हमारा टारगेट है 239 का, तो लेट्स सी। अभी 2000 का प्रॉफिट है, और एज आप देख ही रहे हो कि मार्केट हमारे प्राइस से और नीचे आए, तो हमेशा अभी देखो इधर पता नहीं है मुझे कि मार्केट इधर से और नीचे जाएगा, क्योंकि अभी आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इधर से ऊपर जाके हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था 391 का, वो भी हिट हो सकता है, तो इतना बड़ा गैप हम नहीं रखेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे हम ऊपर से हमारा स्टॉप लॉस है वो नीचे नीचे ट्रेल करके आएंगे। अभी और हमारा स्टॉप लॉस नीचे आएगा, सिर्फ अभी हमारा टारगेट के लिए सिर्फ अभी 10 पॉइंट ही बचा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि टारगेट है 239 का, तो अभी सिर्फ 4-5 पॉइंट ही बाकी है। तो लेट्स सी अभी मार्केट इधर हमारा टारगेट हिट होता है या ऊपर जाके हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। अभी ऐसे अभी क्या 4-5 पॉइंट ही बाकी है, तो क्या करेंगे, वेट नहीं करेंगे, वेट करते हम और डिसिप्लिन के साथ बने रहते हैं ट्रेड में। इससे अगर मार्केट इसमें से अभी वापस ऊपर गया तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम डिसिप्लिन शो करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, वो मार्केट हमें देगा। अगर प्रॉफिट देना है तो देगा, अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही देगा। और अभी मार्केट इधर से रिवर्स भी हुआ तो भी हमें लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ऊपर से बहुत ही नीचे आया है, तो हम कुछ ना कुछ आज मार्केट से लेके ही जाएंगे, राइट। तो मार्केट अभी इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है अभी के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन ये फॉलो करो मार्केट में, तो ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अभी प्राइस 250 के आसपास ही चालू है, 4000 का प्रॉफिट है चल रहा है, और जो हमारा इनिशियल टारगेट है 239 का, उधर भी हम पूरा दो लॉट नहीं बुक करेंगे, उधर सिर्फ हम आधी क्वांटिटी बुक करेंगे, और जो आधी रहेगी वो हम और डीपर लेवल से ले हम ट्रेल करके जाएंगे। तो अगर ये मार्केट उधर से वापस रिवर्स हो गया और हमारा जो स्टॉप लॉस था ट्रेलिंग वो हिट हो गया, और सिर्फ अभी आज हमें 1000 का प्रॉफिट, जो कि
इनिशियल हमारा था वो बुक हो गया है। थैंक यू सो मच।